नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज एक न्यू ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत है। तो मैं तैयार हो गई हूँ, अब जाने वाली हूँ। तो कहाँ जा रही हूँ, चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और न्यू कोई देख रहा हो, पहला बार अगर वीडियो में आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और हम लोग अभी निकल जाएंगे, तो हम लोग बैंक तक जाऊँगी पैदल, उसके बाद फिर ऑटो ले लूँगी। तो हम लोग पैदल निकल पड़ी हूँ बैंक तक। बैंक का काम हमारा हो गया है, फिर ऑटो मिल गया था तो ऑटो में हम लोग बैठ गए थे, और एंट्री करवाना था बैंक में, एंट्री करवा के फिर ऑटो में बैठ गई थी। और थोड़ी देर ऑटो जाने के बाद ऑटो हमारा ख़राब हो गया था, तो फिर उतर के हम लोग फिर इंतज़ार करी थी। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद ही ऑटो, दूसरी ऑटो मिल गया था, तो हम लोग दूसरी ऑटो ले लिए थे। और यहाँ पुल पे नया ब्रिज बन रहा है, तो एक रास्ता बंद है, इसके वजह से बहुत भीड़ भाड़ होता है, पूरा ट्रैफिक बहुत होता है। और हम लोगों को बहुत टाइम लग गया था ऑटो से जाने पे बस स्टैंड तक। तो बस स्टैंड तक हम लोग दोनों, देखिए सारा बच्चे सब ड्यूटी जाने के लिए, उन लोगों को भी बहुत मतलब दिक्कत करना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, कुछ ही दिन के बाद है और ओवरपुल बन जाएगा, तो हम लोगों को भी बहुत सुविधा होगा। अभी तो दिक्कत हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी काम हो रहा है। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे बस स्टैंड। तो पहुंचने के बाद फिर 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद बस मिल गया था, और मैं पहुंचा प्रियंका को पहुंचा के, प्रियंका को पहुंचाने के लिए गए जा रही थी, प्रियंका को पहुंचा के हम, मैं वहां से फिर 5:30 बजे ही निकल गए थे। और निकलने के बाद फिर 5:30 बजे से ट्रैफिक इतना जाम था, हम मुझे भी आने के लिए भी 9 बज गया था, फिर मैं 9 बजे घर आ गए थे। और ये दूसरा दिन का वीडियो है, तो मैं यहाँ पे शाम के टाइम का बैग ढूंढ रही थी, तो छोटा सा बैग रखी थी, वही बैग लेके फिर मार्केट जा रही हूँ और कुछ सब्जी उब्जी लाने के लिए। तो फिर मैं मार्केट गई, और मार्केट से फिर सब्जी लेके आ गई हूँ, और सब्जी के साथ साथ मैं लेके आई हूँ थोड़ा सा पनीर, और पनीर यहाँ पे फ्राई करके बनाने वाली हूँ, बहुत टेस्टी सा सब्जी। तो रात में बनेगा सब्जी और रोटी। तो यहाँ पे मैं फ्राई करने के बाद मसाला फ्राई कर रही हूँ, और मसाला फ्राई करने के बाद उधर मैं चाय बना ली थी, तो चाय पी लेती हूँ आराम से। और चाय पीने के बाद जो है यहाँ पे आ गई हूँ फिर से किचन में। तो जितना बर्तन था चाय हुई के और सारा बर्तन था, मैं माँज लेती हूँ और रख देती हूँ। नेक्स्ट दिन सुबह का टाइम है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले झाड़ू लगा ली हूँ, साफ़ सफाई कर ली हूँ, ब्रश कर ली हूँ, और करने के बाद ये जग जो रखा हुआ है सामने, तो गर्म पानी पी ली हूँ। और गर्म पानी पीने के बाद 10 मिनट बाद फिर चाय पी रही हूँ मैं बैठ के आराम से। और उसके बाद जो है यहाँ पे दोपहर के टाइम में सिलेंडर वाला आ गया था, तो सिलेंडर ले ली थी सिलेंडर, लेकिन बहुत कम देता है ये लोग, तोलना पड़ता है। और यहाँ मैं धनिया फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा हो गया है, और थोड़ा फ्राई कर लूँगी तो कुरकुरा हो जाएगा, मिक्सी में पीसने में सुविधा होगा। तो मैं मार्केट से कोई भी मसाला नहीं खरीदती हूँ, और गर्म मसाला अभी पीस के रखी हूँ, तो धनिया ख़त्म हो गया था धनिया पाउडर, तो इसी को मैं थोड़ा सा कुरकुरा कर लेती हूँ, और कुरकुरा करने के बाद जो है पीस लूँगी, क्योंकि धूप हमारे यहाँ धूप आता ही नहीं, सबका छत बना हुआ है, हमारे छत नीचा हो गया है तो धूप नहीं आता है इस वजह से। और यहाँ मैं कर रही हूँ गेहूँ साफ, तो हमारा आटा भी ख़त्म हो गया था, तो मैं सोची आज गेहूँ साफ कर लेती हूँ, आज आटा अगर नहीं पीस पाऊँगी तो कल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो 2-3 दिन से मैं सोच रही हूँ साफ़ करूँगी, लेकिन साफ़ हो ही नहीं पा रहा था गेहूँ, और छत में धूप आता ही नहीं कि धो के डाल दूँ कि सूख जाएगा, तो इस वजह से थोड़ा जो है ना साफ़ कर लेती हूँ। इस गेहूँ में साफ़ था गेहूँ, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे साफ़ करने में प्राय 2 घंटा लग गया था, और कचरा मतलब वो निकला था, बहुत ज़्यादा कचरा निकला था, ऐसे गेहूँ दाना मतलब साफ़ सुथरा था, वो कीड़ा खाया हुआ नहीं था, एक होता है ना घुन लग जाता है, तो वो नहीं था, गेहूँ साफ़ सुथरा था, तो मैंने साफ़ कर लिया था, और पक्का मेरा 2 घंटा लग गया था, इतना गेहूँ साफ़ करने में मुझे 1.5-2 घंटा लग गया था। बीच बीच में मैं और कुछ काम भी कर रही थी, लगातार साफ़ नहीं करी हूँ गेहूँ, तो इतना कचरा निकला है, और इसको मैं डस्टबिन में फेंक दूँगी। तो देखिए इसके साथ छोटा छोटा गेहूँ भी है, और यहाँ पे तब तक हमारा धनिया ठंडा हो गया था, फ्राई भूज के और रख दी थी, क्योंकि गर्म गर्म ना पीसने में नहीं होता, तो ठंडा हो गया था, तो ठंडा होने के बाद कुरकुरा हो जाता है, तो हमने पीस ली हूँ। और इधर मैं बर्तन थोड़ा सा दोपहर के था दिन के, तो इसको भी साफ़ कर लेती हूँ, और चाय का जो है पतीला उसको अच्छी तरह से धो लेती हूँ, क्योंकि इसी में चाय बनाऊँगी फिर। अभी हो गया है शाम, तो मतलब शाम क्या वही 3:30 बज गया है, तो धो लेती हूँ, और धो धा के फिर
तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक, फिर मिलूंगी अगले कोई अच्छा सा न्यू वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय दोस्तों, नमस्ते।